लोकसभा चुनाव के नतीजों में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। मंगलवार की सुबह अब दूर नहीं, उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें बढ़ चली हैं। एग्जिट पोल की माने तो दुनिया में वर्ल्ड लीडर की इमेज बना चुके मोदी के लिए देश की जनता एक बार फिर से पलक पावड़े बिछाकर पीएम के रूप में ताजपोशी का इंतजार कर रही है। तो घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है, बस कुछ ही घंटों का इंतजार। देखिए एक खास रिपोर्ट। जनता ने सुनाया फरमान, एग्जिट पोल का अनुमान, बीजेपी का फिर लहरेगा परचम, मोदी फिर दिखाएंगे दमखम। अनुमान आए लेकिन नतीजे बाकी। बीजेपी ने 4 जून को 400 पार होने का दावा किया है और सूबे की तमाम 25 सीटों को जीतने की भी बात वो लगातार कह रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी के उन नेताओं के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है जो कड़े मुकाबले में फंसे हुए थे और उनका आत्मविश्वास गायब हो चला था। एग्जिट पोल ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की आंधी का इशारा किया है और विपक्ष के धाराशायी होने का ऐलान कर दिया है। इससे बीजेपी कैंप में खुशियों की बहार है तो विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं, उनकी सीट पर खतरा बताया जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल्स ने कैलाश चौधरी को भी खुश होने का मौका दिया है। कोई माने या ना माने, पर कैलाश चौधरी ने तो विक्ट्री साइन बनाकर ये संकेत दिया है कि पीएम मोदी का जादू बाड़मेर में भी चलेगा। तो सीकर में इंडिया गठबंधन से दो दो हाथ कर रहे स्वामी सुमेधानंद भी ना उम्मीद नहीं है, उन्हें भी 4 जून को धमाकेदार जीत का भरोसा है। पोल जो कह रहे हैं और 400 प्लस जो मोदी जी का नारा, वो जनता ने आशीर्वाद दिया है पूरा होगा। 25 की 25 सीटें राजस्थान में भी भाजपा की आएगी। मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था अब की बार 400 पार सुनिश्चित है। और सीकर में जो उत्साह के साथ कार्यकर्ता उन्होंने काम किया और मोदी सरकार के जो काम थे और मैंने जो मेहनत की, उसका प्रतिफल ये मिलेगा कि हम सीकर हर सूरत में बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अधिकांश एग्जिट पोल ने बीजेपी को 22 में से 25 सीटें दे दी हैं। 3 सीटों पर बहुत ही नजदीकी मुकाबले बताए गए हैं, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी को बाड़मेर, श्री गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर कोटा तक की सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है। उसे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन है। श्री गंगानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल मेघवाल की जगह मैदान में उतारी गई प्रियंका बैलान हो या फिर देवजीत पटेल की जगह वैभव गहलोत के सामने चुनाव लड़े लुम्बा राम चौधरी या फिर भीलवाड़ा में सुभाष बहेड़िया की जगह बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे दामोदर अग्रवाल, यानी सभी के सभी बीजेपी उम्मीदवार पीएम मोदी की हैट्रिक में राजस्थान की सभी सीटों पर बीजेपी की हैट्रिक के भी दावे कर रहे हैं। जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, पार्टी ने भरोसा जताया है और कमल अवश्य ही हम श्री गंगानगर तो क्या राजस्थान में 25 का 25 जीते। राजस्थान में 53 सभाएं गहलोत साहब ने ली है, उसमें से 22 सभाएं जालोर सिरों में ली है। और मेरे पहली बार उनका पूरा परिवार चुनाव में उतरा था, मगर सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी की टीम थी, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। इसके आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जब 400 के पार के संकल्प को लेकर के हम चले, तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का अब कहना, शायद देश में किसी भी ऐसा व्यक्ति जो देश की राजनीति को ईमानदारी से समीक्षा करता है, उसके लिए अप्रत्याशित नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस बार पिछले 5 साल के मोदी जी के कार्यकाल के कारण मोदी जी के प्रति समर्थन, भाजपा के प्रति झुकाव पहले से अधिक बड़ा है। और ये आंधी नहीं है, प्रचंड तूफान है जो मोदी जी को आज तक की ऐतिहासिक सीट जिलाएगा। रही बात कांग्रेस की, उनको और बोलना भी क्या है,
मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख सकते हैं, उनको छूट है, लेकिन जनता तो मोदी के साथ। बहरहाल देश के हर कोने में फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज है, तो 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के अपने इरादे से बीजेपी खुद को एकदम भी पीछे नहीं मान रही। मंगलवार को फिर भारत नया इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा। हर तरफ मोदी की जीत का जश्न दिखाई पड़ेगा। एग्जिट पोल तो खुलकर यही बता रहे हैं, आखिर उनके पास जनता का मूड भांपने की वो ताकत है जो बरस दर बरस सच्ची साबित हुई है। कई सीटें ऐसे कड़े मुकाबले में फंसी है जिस पर जीत का यकीन तो उन उम्मीदवारों को भी नहीं है जिन्होंने पार्टी का वहां पर झंडा उठाया है। अब देखना यही है कि आखिर जब ईवीएम नतीजे उगलेगी तब किस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर।